अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहन, जहां जहां तक मेरी बात जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मैंने परसों की वीडियो में बताया था कि मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करूंगा जो कि हमारे अफगानिस्तान के तालिबान ने खुला डुला बोला हुआ है कि हमने ईद के बाद जो है जिहाद शुरू करना है, वो करना है RSS और BJP के लोगों के साथ। वजह क्या है वो भी उन्होंने खुली बताई हुई है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, कश्मीरी लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि उन्होंने तकरीबन 1 से 2 जो है वो काम कर भी दिए। पिछले दिनों में एक इंडिया में एक हादसा आया था जिसमें ये बताया गया था नामालूम अफराद ने ये किया। अब ऐसे नामालूम अफराद ने ये किया, नामालूम अफराद ने वो किया, नामालूम अफराद ने वो किया, ये ऐसे केस आपको अब बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन इन केसों के ऊपर एक ही सोच और एक ही बात याद रखो, ये लिया जा रहा है बदला। तो अभी कुछ काफी सारे फौजी हैं जो आपके कश्मीर के अंदर से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। एक तरफ चाइना जो है वो इनकी ठुकाई पे लगा हुआ है और दूसरी तरफ वो बोलते हैं ना कि दिखाते इस साइड से और मारते इस साइड से। ठुकाई जो है वो कर रहा है चाइना, मतलब जाहिर इस टाइम लड़ाई छिड़ी हुई है तो उसका जो मेन पॉइंट और मेन काम जो दिखा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन दिखा रहे हैं। आपके बहुत सारे फौजी जो है वो कश्मीर से गायब हो चुके हैं और इंडिया के अंदर भी तकरीबन कार्रवाइयां स्टार्ट हो गई हैं। और आज से आज ईद का जो मेरे यहाँ लास्ट डे है आप लोगों का, इसके बाद आपको नए अजीब अजीब काम मिलेंगे, नए नए तरीकों से लोग मरते हुए मिलेंगे। खास करके वही टारगेट वही होंगे। ये नहीं होगा कोई भी मुसलमान किसी को बिला वजह बिला मकसद के कोई भी नहीं मारना चाहता। ये एक बस अफवाह फैली हुई है कि मुसलमान ने ये किया, मुसलमान ने वो किया, ये किया वो किया। उस हादसे में ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख सकते हो कि मरते भी मुसलमान है, लेकिन इन हादसों में आपको ज्यादा तादाद में RSS BJP के कुत्ते बिल्ले जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है वही आपको देखने को मिलेंगे और वही मरते मिलेंगे। इस दौरान जितने भी इंडियन लोग हैं, जितने भी कश्मीरी, तो खैर हाई दलेर हैं इस टाइम, वो फुल मतलब उन्होंने तो अपने सर से कफन बांध के निकले हैं, वो अपना बदला लेने के लिए लगे हैं, टर्टर लगे हैं और बहुत सारा उन्होंने कार्रवाइयां की भी हैं इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर जो आप लोगों को नहीं पता। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियो भी आएंगे हम दिखाएंगे और इंडियन और जितने भी कश्मीरी लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अब हमेशा तैयार हो अपने बदले के लिए, अपने फेस करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब इसका कोई हल नहीं है। मैंने हमेशा पिछले दिनों में बोला है कि अब इसका हल एक ही है, या तो मार दो या मर जाओ। क्योंकि ये लोग जो समझ रहे हैं ना, तो उनका एक ही मकसद बनता है, कोई आपकी जान ले रहा है तो आपका पूरा हक है अपनी जान को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी माँ बहन बेटी अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपका भी पूरा हक है। अगर आपके रास्ते में कोई आता है तो उसको जरूर मार दो। कोई देखो रोज रोज से मरने से बेहतर है एक बार मरना है। कल आपकी बहन के साथ, आपके वालिद के साथ, आपकी माँ के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो आप रोज रोज मरोगे, इसलिए उस रोज रोज मरने से बेहतर है एक टाइम पे मरना, एक वक्त में मरना। तो इस चीज को फेस करना है, आप लोग रेडी रहो, कभी भी कुछ भी होगा तो आप लोगों को उसका पूरा फायदा उठाओ। तो बस देखते हैं आने वाला टाइम क्या करता है और क्या होता है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको शुरू से लेकर अब तक का बताता जा रहा हूँ, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन अंदर से आप पता चलती है तो इसीलिए मैं आगे शेयर करता हूँ। तो बस अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ। मेरे सारे भाई को, सारी बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। और जाते जाते अभी बहुत सारे भगुआ कुत्ते आएंगे, वो ये बोलेंगे कि देख लेंगे क्या कर लेंगे, मोदी अफगानिस्तान के उन लोगों के साथ है जो ना तो पाकिस्तान के हैं और ना ही आप लोग इंडिया के हैं, जो इधर इतना 35 साल खा गए तो आपके 4 दिन के प्यार से क्या हो गए। तो एक बार याद रखो, अगर वो अफगानी है ना वहां पे तो फिर ये भी हैं जो बदला लेना जानते हैं। बस अभी के लिए वीडियो को बंद करता हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।